गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि यूनिट क्या होती है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और यूनिट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें। पहले बात करते हैं हम यूनिट क्या होती है। द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर इट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जैसे क्यू है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम Q इक्वल टू एन यू लिखते हैं, यहाँ पर n कोई नंबर है तो U हमारी यूनिट होती है। जैसे हम मार्केट में गए, हमने कहा हमें 1 kg आलू चाहिए, तो क्वांटिटी हो गई आलू, ठीक है। और कितना चाहिए, क्वांटिटी हो गई हमारी पोटैटो, और चाहिए कितना, 1 kg। यहाँ पर 1 हो गया नंबर और kg हो गई यूनिट, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत कैसे पड़ती है, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई एलिफेंट है, वो गॉड से कितना हैवी है, कितना ज़्यादा वेट है उसका, ठीक है। तो इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, जब तक अगर हमें यूनिट नहीं पता होगी किस यूनिट में हम बात करेंगे तो हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते हैं। अब अगर हमें यूनिट पता है कि हम वेट को केजी में मेजर कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने एलिफेंट के वेट को बोल दिया 400 kg और गॉड के वेट को बोल दिया 20 kg, तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि एलिफेंट कितना हैवियर है गॉड से, ठीक है। इसलिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। यूनिट हमारी किसी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने में बहुत यूजफुल होती है। अब हम मार्केट में जा रहे हैं, अगर हमें यूनिट का आइडिया नहीं है और जैसे हमें पोटैटो ख़रीदने हैं, आप ये तो कहेंगे कि नहीं हमें कि 1 सेकेंड पोटैटो चाहिए या 1 मीटर पोटैटो चाहिए, इस टाइप की टर्म तो हम यूज़ नहीं करते ना। क्यों नहीं करते, क्योंकि 1 kg यानी कि जो kg यूनिट रखती है वो अपना वेट से कंसर्न्ड है, और वेट से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट होते हैं वो हम kg में मेजर करते हैं, या फिर और भी इससे रिलेटेड यूनिट हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल दिया जिससे कि आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि हम यूनिट की ज़रूरत क्यों रखते हैं। कोई क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे क्यू है, क्यू इक्वल टू एन यू लिखा हमने, एन कोई नंबर हो जाता है तो यू हमारी यूनिट हो जाती है उससे रिलेटेड, ठीक है। ये तो हो गई हमारी यूनिट। अब बात करते हैं हु डिसाइड्स द यूनिट, यूनिट को कौन डिसाइड करता है। कॉन्फ्रेंस जनरल डैश पॉइंट ई मेजर्स और CGPM, कॉन्फ्रेंस जनरल डैश पॉइंट इट मेजर्स, ये एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है जिसको शॉर्ट में हम CGPM बोल रहे हैं, और इंग्लिश में से बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ये आपकी एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट से हमारी यूनिट डिसाइड करती है कि हमें किस यूनिट को कितनी वैल्यू देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स एंड डेराइव्ड यूनिट, कि फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो अपने आप पर डिपेंड करती हैं और हमेशा एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है। जैसे हम फंडामेंटल यूनिट भी उनसे कंसर्न करते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, जो कि अपने आप पर डिपेंड होती हैं, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी पर, दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं होती हैं। जैसे आप मान लीजिए मीटर की यूनिट है, मीटर यूनिट है आपकी, ठीक है, सेकेंड यूनिट है आपकी, और केजी यूनिट मान ली हमने, ये यूनिट मान ली, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट हमने लिखी हुई है, ठीक है। ये यूनिट आपकी किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये अपने आप में ही डिपेंड है और ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, अगर हम उसकी बात कर दें तो ये आपकी डिपेंड कर रही है मीटर पर भी और सेकेंड पर भी, ठीक है, यानी कि ये आपकी डेराइव्ड यूनिट हो गई। डेराइव्ड यूनिट का डेफिनेशन देख लीजिए, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली है, वो आपकी मीटर और सेकेंड पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये इंडिपेंड नहीं है अपने, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक्सीलरेशन की बात कर दें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन, ये भी आपका मीटर और सेकेंड स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्या लिख दिया हमने, मीटर सेकेंड और केजी, ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की, किसी दूसरी यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ रही ना,
इसलिए हम इन्हें इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और इन यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि मीटर की ज़रूरत पड़ी, सेकंड की भी ज़रूरत पड़ी, तो हमने वेलोसिटी की यूनिट लिख पाई, ठीक है। एक्सीलरेशन की यूनिट लिखने के लिए हमें मीटर की ज़रूरत पड़ी और सेकंड स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी, तो हमने एक्सीलरेशन की यूनिट लिख पाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की यूनिट का सिस्टम क्या क्या होता है और उन्हें हम किन किन सिस्टम्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब इन्हें आप देखिए, जैसे कि पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS सिस्टम, दूसरा है FPS सिस्टम, तीसरा है MKS सिस्टम और चौथा लिया है हमने SI सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम की बात करें तो पहले हम CGS सिस्टम को समझते हैं। CGS सिस्टम में हम लेंथ, मास और टाइम, हर एक सिस्टम में हम लेंथ, मास और टाइम लेके चलेंगे, ठीक है। CGS सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम सी लिख देते हैं, ग्राम को जी लिख देते हैं और सेकेंड को एस लिख देते हैं, ठीक है। और इनका ही शॉर्ट हो जाता है CGS, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम में ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, लेंथ को हम सेंटीमीटर मानते हैं, मास को हम ग्राम में लेते हैं और टाइम को हम सेकेंड में लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं FPS सिस्टम की। FPS सिस्टम में हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं और मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। और इन्हीं का शॉर्ट होता है FPS, ठीक है। सिमिलरली MKS सिस्टम में लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में, और इनका ही शॉर्ट हो जाता है MKS, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, इनको हम बोलते हैं MKS सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम SI सिस्टम, SI सिस्टम में आपने यूनिट बहुत पहले पढ़ी होंगी, 6th, 7th, 8th में भी आप पढ़े होंगे SI सिस्टम। SI सिस्टम को हम शॉर्ट में बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम का लॉन्ग फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SI सिस्टम, ठीक है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं, फंडामेंटल्स यूनिट लेके हम बहुत सारी यूनिट बनाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट अभी हम डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल और बेस यूनिट ऑब्लिक क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम फंडामेंटल यूनिट समझते हैं कि आपकी फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं और उनके सिंबल्स, उनके यूनिट के नेम और उनकी डेफिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको समझ लीजिए और ध्यान में बिठा लीजिए, इनकी आगे भी ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। जैसे आपकी क्वांटिटीज़ हैं जैसे इसमें फिक्स होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी होती हैं सेवन क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल, और सेवन ही फंडामेंटल आपकी यूनिट होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे क्वांटिटी हैं कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लेंथ का हम मीटर में नेम ऑफ द यूनिट, इसकी मीटर रहती है SI सिस्टम में, और मास की यूनिट किलोग्राम रहती है, टाइम की यूनिट सेकेंड रहती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर रहती है, SI सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पर। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन में रहती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल में रहती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला रहती है, ठीक है। अब इनके सिंबल हैं, सिंबल भी इनके फिक्स होते हैं, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैंडेला को सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी डेफिनीशंस हैं, तो अब बात हम करते हैं डेफिनीशंस की। जैसे आपका लेंथ है, लेंथ की यूनिट हमने मानी मीटर, अब 1 मीटर क्या होता है उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जो 1 मीटर क्वांटिटी है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1/2997924.58 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर, यानी कि लाइट आपकी वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और वो 1/2997924.58 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की,
जितनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर रही है इतने सेकेंड में, उसको हम बोल रहे हैं 1 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं किलोग्राम की। द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम इरेडियम एलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इज डिफाइंड एज 1 kg। यानी कि आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो है, एक इंटरनेशनल संस्था है, वहाँ पर आपका एक सिलेंडर रखा हुआ है प्लेटिनम इरेडियम एलॉय का बना हुआ, उसके मास को हम 1 kg मास डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड की, कि सेकेंड को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए टाइम टेकन बाय सीजियम 133 एटम टू मेक 9192631770 वाइब्रेशन। यानी कि सीजियम 133 एटम जो है वो इतना वाइब्रेशन लेने में कितना टाइम ले रहा है, जितना टाइम ले रहा है इतना वाइब्रेशन करने में, उस टाइम को हम 1 सेकेंड डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है, अब एम्पियर की बात करें, इट इज़ दैट कॉन्स्टेंट करेंट विच वेन फ्लोइंग इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लेक्जिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस बिटवीन द कंडक्टर्स ऑफ फोर्स इक्वल टू 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। यानी कि दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं, पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर हैं रखे हुए हैं, और उनमें आपका कोई करंट फ्लो कर रहा है, वो उतना करंट फ्लो कर रहा है जितने करंट में इतना फोर्स लगे। यानी कि करंट फ्लो करेगा तो उन वायर्स पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा जब आपका 2×10⁻⁷ न्यूटन, यानी कि जब इतना फोर्स होगा दो वायर के बीच में, तो उस करंट को, जो करंट आपका फ्लो करेगा, उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम केल्विन की, यानी कि जो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, और केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब केल्विन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ अ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। यानी कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर है उसका 1/273.16 जो फ्रैक्शन है उसको हम 1 केल्विन मान के चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोल की, जो कि आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, जिसको MOL से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल उसका MOL होता है। ये क्या चीज़ होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कॉन्टेंस एज मैनी एलिमेंट्री यूनिट्स एज देयर आर कार्बन एटम्स इन एग्जैक्टली 0.012 kg ऑफ C12। यानी कि इतना kg, यानी कि 0.012 kg ऑफ C12। C12 यानी कि कार्बन 12 जो आपका आइसोटॉप है, उसमें 0.012 kg अगर हम उसका अमाउंट ले लें, तो उसमें जितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे, जितने एलिमेंट्री यूनिट्स होंगी, उसको हम 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज़ है, इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, यानी कि जो ब्लैक बॉडी है ऑफ सरफेस एरिया 1/600000 m², यानी कि एक ब्लैक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया इतना है, टेम्परेचर है फ्रीजिंग प्लेटिनम के बराबर, उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग प्लेटिनम के बराबर है, और प्रेशर है उसका 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका उतना प्रेशर है, और उसमें डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि कोई ब्लैक बॉडी की हमने बात की, कोई ब्लैक बॉडी है उसमें ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, तो उसमें से जितनी रेडिएशन निकलेगी, जितनी रेडिएशंस निकलेंगी, उसको हम 1 कैंडेला बोलेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, फिर जो आपकी रेडिएशन ल्यूमिनस इंटेंसिटी निकल रही है उसको हम 1 कैंडेला बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, ये तो आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई, जिनको हम बेस यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इनके अलावा आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी होती हैं, एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन को हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेरेडियन को SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेडियन आपका प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूज होता है, और स्टेरेडियन आपका सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लेन में जो एंगल बनता है उसे प्लेन एंगल बोलते हैं,
सॉलिड शेप जो होती है आपकी 3D शेप होती है, वहाँ पर जब एंगल कंसीडर हम करते हैं तो उसको स्टेरेडियन के टर्म में हम मेजर करते हैं, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं RAD, रेडियन को RAD में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरेडियन को SR में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है और ये आपकी 7 फंडामेंटल्स यूनिट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन यूनिट को अपने माइंड में सेट कर लेंगे, इनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। और आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।